असलम गो ना स्टार्ट मेडिसन टवेंटी ट्वेंटी थ्री अगस्त आफ्टरनून पेपर ऑफ फॉर मेडिसन पार्ट वन और एम डी एम एस सो लेट स्टार्ट द एम सी क्यू फर्स्ट एम सी क्यू इज़ राइट एस्टिडोग्नोसिस इज़ कॉज बाय द लियन ऑफ द विच एरिया ऑफ द ब्रेन थैलेमस इंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल राइट इंटरनल कैप्सूल या लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल तो हमेशा हमने याद रखना है कि राइट right एस्टिरसिस हमेशा कैसे होगी लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल की वजह से सेकेंड एम सी क्यू कहते हैं प्रजेंट्स विद द कंप्लेन ऑफ द वीकनेस एंड द अर्ली फटिक ही यूज टू हैव द ओनली फिश एंड द राइस इन हिज डायट हिज बेस लाइन शोधा एथ्री सेवन पॉइंट एट एम सी वी वन जीरो फाइव वट कुड बी द लाइकली कॉज एम सी वी जो है वो रेज्ड है दैट मीन कि इसमें हमारे पास मगैलो प्लास्टिक एनीमिया है अब मगैलो प्लास्टिक एनीमिया वाइटामिन बी ट्वेल्व डेफिशेंसी एनीमिया होता है साथ में फोली केसट डेफिशियंसी एनीमिया होता है लेकिन यहाँ पर हमारे पास वाइटामिन बी ट्वेल्व है और वो कौन कॉज करा रहा होता है हमारे पास डायफेलो बोथरीम लैटम नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है एक्सप्लेनेशन में कहता है कि फिशरमैन विदा एनीमिया है अगर अकाइमोसिस है तो उसमें वाइटामिन सी डेफिशिय होगी नेक्स्ट कहता है कि अगर फिशरमैन है विदा एनीमिया और रेज एमसीवी है और वाइटामिन बी ट्वेल्व डेफिशियंसी है तो ये कौन क्रॉस करा रहा होता है टाइफेलोबोथम नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है कि नेक वे नॉर्मली डोंट डिस्टेंड इट दे डिस्टेंड द राइट एट्रियल प्रेशर राइजेज अबव एट प्लस इसका आंसर एट प्लस है कि जब राइट right प्रेशर जो होता है वो एट पॉजिटिव में चला जाता है तो तब जो हमारे पास डेड स्टैंडर्ड द राइट प्रेशर वेश अब एट प्लस एट पॉजिटिव फोर्थ एमसी क्यू इज़ द फर्स्ट फिनशियल ऑर्स डेरिवेटिव इज यहाँ पे इसका आंसर है मैंडिबल uh, पोर्शन नीचे मैं आपको कमेंट्स में फ्रेंजियल आर्टिस के जो वो है कि फर्स्ट फ्रेंजियल आर्ट से क्या ड्राइव होता है सेकंड फ्रेंजियल आर्ट से क्या ड्राइव होता है वो नीचे मैं कमेंट में मेंशन कर दूंगी इसका आंसर है मैंडिबुलर पोर्शन नेक्स्ट एम सी में कहते हैं फिफ्थ में राइट लिम पैरलिस इज कॉज्ड बाय जो हमारे पास राइट लिम पैरलिस है वो मोटर एरिया से हो रहा होता है और मोटर एरिया को इंटीरियर सेरेबरल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है इसलिए इसका आंसर है बीटा के राइट लिम पैरलिस कब होगा जब मोटर एरिया का मसला हो जाएगा और मोटर एरिया को कौन सप्लाई कर रहा है इंटीरियर सेरेबरल आर्टरी तो इसका आंसर है हमारे पास बीटा नेक्स्ट वो कहता है लेडी प्रेजेंटेड विद द हाइपर पिगमेंटेशन एंड द डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग द बैलेंस एम सी वी वन टेन है एम सी वी रेस्ड है एम सी वी की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो हंड्रेड होती है अगर हंड्रेड से ज्यादा है दैट मीन के वो रेज है एंड द फेरेटिन सिक्स हंड्रेड है फेरेटिन ठीक है ऑल नॉर्मल वाट इज लाइकली कॉज इसमें हमारे पास जो कॉज है वो एम सी वी डेस्ड होने की वजह से हम ईटा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे दैट इज प्लास्टिक एनीमिया नेक्स्ट एम सी क्यू हमारे पास सेम है और उसका भी आंसर है हमारे पास मोकैलो एनीमिया नेक्स्ट में कहते हैं पेशेंट ब्रॉट इन द ईयर आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ब्लड लॉस विल बी इनिशियली असेस्ड बाय तो हम सबसे पहले पेशेंट के पल्स से असेस करते हैं जब भी पेशेंट ईआर ER में आता है वो हमें उसका वॉल्यूम लेवल बता देते हैं इसलिए इसका आंसर है अल्फा नेक्स्ट एम सी क्यू में नाइन्थ में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द हीमोफीलिया ए हीमोफीलिया में अल्फा ऑप्शन है एंटी हीमोफीलिया ग्लोबिलंस बीटा हैकमेन फैक्टर चार्ली टिश्यू फैक्टर डेल्टा प्लाज्मा प्लास्माथरोमपोपलास्टीन एंड द फेबरिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर तो ये हीमोफीलिया आया है तो इसमें हमारे पास एंटी हीमोफीलिया ग्लोबिलंस जो होती है ना इनकी डेफिशेंसी होती है इसका आंसर है अल्फा नेक्स्ट टाइम से कहते हैं मिडल ईसो फेगस सप्लाइड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग अब हमारे पास जो 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 ईसोफेगस है ना वो थ्री पार्ट्स में सप्लाई हो रही होती है तो इसका आंसर है हमारे पास बीटा डिसेंडिंग थ्रेसिकोटा क्योंकि वो मिडल है नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है इसमें कहता है कि जो हमारे पास अपर ईसोफेगस है वो सप्लाई होती है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से और मिडल ईसोफेगस डिसेंडिंग थ्रेसिकोटा से और लोअर ईसोफेगस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से अगर फॉर एग्जांपल हम इसे ईसोफेगस कंसीडर कर लें तो यहाँ पे जो अपर ईसोफेगस है ये हमारे पास इन्फीरियर यहाँ पे ऊपर थायराइड ग्लैंड पड़ा होता है ईसोफेगस के ऊपर तो ये हमारे पास आ, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से सप्लाई uh, हो रही होती है और अगर फॉर एग्जांपल मिडल ईसो की बात करें तो ये हमारे पास थ्रेसिक आर्टरी से सप्लाई हो रही होती है सॉरी uh, थ्रेसिकोटा से और लोअर ईसो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से हो रही होती है लोअर uh, बी एल से स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट गैस्ट्रिक भी तो लोअर ईसो आपने याद रखना है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से सप्लाई होगी और मिडल थोरेसिकोटा से इसलिए हमारे पास डिसेंडिंग डिजाइडिंग थ्रेसिकटा इसका आंसर है बीटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिसा स्टार्ट एट टी फोर लेवल ये है कि इमोर्टेंडिंग थ्रेसिका जो है टी फोर के लेवल पे स्टार्ट होता है और ये सप्लाई कैसे करता है स्मॉलोइंग है बीटा इंटीरियर टी वन नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है इसमें कहता है स्मॉल मसल ऑफ द हैंड सप्लाइड बाय सी एनर प्लस मीडियन और T1 से और अल्लर से स्मॉल मसल ऑफ द हैंड अफेक्टेड लियन जो होती है इन सी ए टू टी वन होती है और अल्लर नर्व मीडियन नर्व T1 वन एंड द अलर थे एम जो होती है वो वेस्टिंग ऑफ द मीडियन नर्व की वजह से होती है जो हमारे पास थम्प का पोर्शन होता है ना हैंड में वो होती है इसके नीचे वाले मसल थेनार एमिनस के मसल होते हैं और इसे मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होती है तो अगर थेनार एम्बिनस का मसला हो जाए तो वहाँ पे मीडियन नर्व इंजरी हो जाती है और अगर नेक्स्ट में कहता है कि हाइपोथिनार एमिनस की वेस्टिंग हो रही है ना हाइपोथिनार ऑपोजिट होता है जो लिटल फिंगर के नीचे वाले मसल होते हैं उसे अलना नर्व सप्लाई कर रही होती है फिर लास्ट में कहता है ऑल स्मॉल मसल ऑफ द हैंड वेस्टिंग विद आउट लेट्रल स्पेरिंग लियन ऑफ और सी ए टू विदाउट लेटरल स्पेरिंग मतलब पूरे का पूरा इन्वॉल्व है तो इसमें हमारे पास वही है लियन ऑफ सी ए टू टी वन हो जाएगा फिर कहते हैं आल स्मॉल मसल ऑफ हैंड वेस्टिंग विद वेस्टिंग विद लेटरल स्पेरिंग लेटरल पार्ट की जो है हमारे पास स्पेरिंग होगी लियन ऑफ द अलना नव होगी क्योंकि लेटरल पार्ट को हमारे पास मीडियन नव सप्लाई कर रही होती है नेक्स्ट एम सी क्यू पढ़ते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू में कहता है कि विच स्ट्रक्चर फॉर्म अ मीडियल बाउंड्री ऑफ द इंगवाइनल ट्राइंगल इसमें इसका आंसर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है पहले भी लेकिन ये यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर होगा मीडियल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस फैमरस बेसिकली जो मीडियल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस फैमरस है वो इंग्वाइनल ट्राइंगल की मीडियल बाउंड्री बनाता है मीडियल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस फैमरस नेक्स्ट कहते हैं मीडियन नव रूट इज इन द मीडियन टू द मीडियल नव होती है मीडियन नव रूट इज मीडियन मीडियल टू द मीडियन नव होती है बाद में ये लैटरल चली जाती है फिर मीडियन नव लैटरल चली जाती है मीडियम नव से ना नेक्स्ट एम सी क्यों न्यूक्लियस ऑफ द रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इज रैपिड आई मूवमेंट स्लीप इज एल ईटा में लोकस सेरुलस में होता है इसका न्यूक्लियस जो होता है नीचे एक्सप्लेनेशन में कहता है कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप सेंटर इज लोकेटेड इन द रेफे न्यूक्लियस में और रैपिड आई मूवमेंट स्लीप सेंटर लोकेटेड इन द पॉन्स और द लोकस सेरुलस ठीक है रैपिड आई मूवमेंट का लोकस लोकसरियस में होता है या पॉन्स में होता है रेपिड आई मूवमेंट का और नॉन रेपिड आई मूवमेंट का रेफे न्यूक्लियस में होता है नेक्स्ट टाइम में कहता है वेनी सेक्शन ऑफ द पेशेंट डन नव विच नर्व इज लाइकली टू बी डैमेज इसमें हमारे पास सीरियल नर्व होगी Uh, अब आपने याद रखना है कि वेनी सेक्शन हमेशा हमारे पास जो होता है ना ग्रेट सेफनस वेन से होता है वेनी सेक्शन और इसमें जो नर्व डैमेज होएगी ना वो होती है सीरियल नर्व एज पर सेफनस ग्रेट सेफनस से वेनी सेक्शन करते हैं सेफनस के साथ स्यल नर्व होती है तो डैमेज मोस्ट लाइकली किसका होएगा हमारे पास सीरल नर्व का नीचे एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं वेनी सेक्शन इज डन ऑन द ग्रेट सेफनस वेन मोस्टली विच इज़ अ बाय द दीरल नर्व सो इट लाइकली टू बी डैमेज नेक्स्ट एमसीक्यू में कहता है कि आप पेशेंट हैड द ट्रॉमा ऑन ड्यूटी डॉक्टर इज अनएबल टू फाइंड वेन फॉर द केन्यूला इन द अपर लिम विच वेसल इज बेस्ट फॉर द आई वी इन लोअर लिम लोअर लिम हमेशा ग्रेट सफनेस वेन जो है सबसे बड़ी है तो वही होगी आई के लिए नेक्स्ट टाइम कहता है कि एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल इज डन बाय लेटल माइलोहाइड डाइगेस्ट्रिक या मैसीटर तो एलिवेशन जो होती है ना वो हमेशा मैसीटर कराता है और जो डिप्रेशन है वो हमारे पास लेटरल टेरिकोइड कराता है नीचर एक्सप्लेनेशन में कहते हैं एलिवेशन ऑफ द जॉ जो है वो मैसीटर करा रहा है इंटीरियर फाइबर आता है टेम्परोलेस और मीडियल टेरिकोइड और डिप्रेशन लेटरल टेरिकोइड करा रहा है डायगेस्ट्रिक माइलोहाड एंड जीनोहायड नेक्स्ट एम सी यू में कहता है अ नॉन डायबेटिक फीमेल अंडर गो बोन मैरो ट्रांसप्लांट आफ्टर टू ईयर हैविंग द क्रोनिक रॉनोसाइनोसाइटिस डिप्ड फंगल इन्फेक्शन दैट शो फंगल बाल इन्फेक्शन सॉरी फंगल इन्फेक्शन दैट शो फंगल बॉल सेपरेट हाईफी एट एक्यूट एंगल एंड प्रोड्यूसिंग द रेस्टरी सिम्टम मोस्ट लाइकली फंगस इज एज ये हमारे पास ना जो सेपरेट हाईफी आ रहे होते हैं ना एक्यूट एंगल एट एक्यूट एंगल इसमें हमारे पास एस्परजिलस आंसर होता है तो आंसर इज चार्ली नेक्स्ट आता बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ट्रामा स्केल्टन मसल रिस्पॉन्ड बाय बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ट्रामे ट्रामा स्केल्टन मसल रिस्पॉन्ड बाय द इंक्रीज प्रोटिलाइसिस जब भी स्केल्टन मसल रिस्पॉन्स होएगा बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ट्रामा स्केल्टन मसल तो क्या होएगा इंक्रीज प्रोटोलाइसिस हो जाएगा नेक्स्ट पे कहते हैं हीमोफीलिया पेशेंट विल हैव हीमोफीलिया जो होता है ना वो बेसिकली ए -टी -टी, इसमें में सबसे ज़्यादा रेज होता है हीमोफीलिया में ये मैंने एक आ, वीडियो में पहले भी बताया था कि जो हीमोफीलिया होता है ना उसमें इन्वॉल्व होता है ए पी रेज होता है और अगर ए -टी -टी के साथ हमारे पास बी भी रेज हो ए भी रेज है और साथ में बी भी रेज है तो बी में भी बी आ रहा है और वॉन विल फैक्टर डिजीज में भी बी आता है तो so, इसमें ये इफेक्ट होगा डिजीज सो आवर आंसर इज बीटा नेक्स्ट टाइम इज एरिथ्रोसाइट ट्रू इज द एल्फा इज हाइड्रोलाइज वन प्लेस इन द हाइपोटॉनिक सोल्यूशन बीटा प्रोड्यूस द इन कायरिन और स्पेक्ट्रीन यूज कार्बोहाइड्रेट एरोबिकली डेल्टा इंक्रीज दिस्कवासिटी ऑफ द ब्लड इट सेल मेम्ब्रेन इज आल ड्यू टू द प्रेषर ऑफ द ग्लैकोब्रोटीन आई गेस आंसर इज डेल्टा इंक्रीज दिस्क ऑफ द ब्लड्रो साइट्स क्या कराते हैं इंक्रीज कराते हैं विस्कवास ऑफ द ब्लड को नेक्स्ट है कोरिया इज कॉस ड्यू टू लियन ऑफ द कोरिया इज फ्रॉम सी एंड द कॉर्डेट न्यूक्लियज इज फ्राम सी मैंने इसका यह निमोनिक रखा हुआ था कि कोरिया इज कॉस ड्यू टू लियन ऑफ द कॉर्डेट पीटा इज द आंसर वैसे इसमें ऑप्शन ग्लोबस पैलेटस की थी कॉर्डेट की थी लैटरल थैलमिक न्यूक्लियस की थी न्यूक्लियस बेजेलस की डेंटेड न्यूक्लियस की लेकिन आंसर क्या तो है कोरियर इज कॉस ड्यू टू लियन ऑफ द कॉर्डेट नेक्स्ट कहते हैं एथीटेसिस इज कॉस ड्यू टू द लियन ऑफ द एथीटेसिस इज कॉस ड्यू टू द लियन ऑफ द ग्लोपसपैलेटस एल्फा एथीटेसिस में क्या होता है स्लो और आ, स्लो मूवमेंट हो जाती है बहुत आराम आराम से पेशेंट अपना हाथ हिला रहा होता है तो वो किसकी वजह से होती है हमारे पास ग्लोबस पैलेटस की वजह से नीचे वो एक्सप्लेशन भी दे रहे हैं एक्सप्लेंेशन को देख लेते हैं इसमें कहते हैं कोरिया जो होती है ना जड़की और क्विक मूवमेंट होती है और कॉर्डेट न्यूक्लियस की वजह से होती है और जो एथीटोसिस होती है स्लो एंड रीदिंग मूवमेंट होती है और ग्लोबस पैलेटस की वजह से होती है हेमी ब्लिसमस जो होती है ना वो फुल लिम की इनवोलेंट्री जट की मूवमेंट होती है और ये थप सब थैलमिक न्यूक्लियस की वजह से होती है हेमी बलिसमस क्या होती है हेमी मतलब हेमी वन पूरे का पूरा वन लिप जो है वो इनवोलेंट्री जट की मूवमेंट शो करता है सब थैलमिक न्यूक्लियसन की वजह से और कोरिया कॉर्डेट न्यूक्लियस की वजह से होता है और एथीडोस होता है ग्लोबल स्पेलेटस की वजह से नेक्स्ट कहते हैं आफ्टर टॉन पेशेंट डिवेलप द हॉटनेस ऑफ द वॉइस ड्यू टू डैमेज ऑफ द ऑफस नव होगा क्योंकि आप जो हमारे पास हॉर्नेस ऑफ वॉइस होती है ना वो बेसिकली होती है के डैमेज की वजह से और लरेंजियल नर्व जो है वो ब्रांच है वेगस नर्व की इसलिए इसका आंसर है अल्फा वेगस नर्व हॉर्नेस ऑफ वॉइस क्यों होगी वेगस नर्व की इंजरी की वजह से वाइटामी असैस्ड बाई इस ट्वेंटी फाइव हाइड्रोक्ल कैसे फ्रो वन टू वन ट्वेंटी फाइव

बाय नेजल हेमिनोपिया या पर कॉर्डेंटिनोपिया तो ये हमारे पास एल्फा है बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया कॉज करता है एडिनोमा नेक्स्ट कहते हैं इस्ट्रोजन कॉजेज द सॉफ्ट स्किन इस्ट्रोजन जो है वो हमेशा हमने याद रखना है इस्ट्रोजन क्या करती है मैस इंक्रीज कर देती है और प्रोल्यूटेशन इंक्रीज कर देती है सेल की तो वहाँ पर वो क्या करती है सॉफ्ट स्किन करा देती है नेक्स्ट कहते हैं पेशेंट फिंगर कट फिंगर कट डॉक्टर टोल्ड हिम नॉट टू बी वरीड एज ऑल विल बी फाइन ड्यू टू री जनरेशन बाय द स्ट्रेटम बेजेल हमेशा जब भी फिंगर इंजर हो जाएगी तो जब बेजेल वाली लेयर है वहाँ से वो स्टार्ट टू री जनरेट करेगी इसलिए हमने याद रखना है कि इसका आंसर हमेशा स्ट्रेटम बेजेल होगा नेक्स्ट है आफ्टर फिंगर इंजरी कट इन अ बॉय विच आर द फॉलिंग इनिशियल मीडिएटर इन इन्फ्लेमेशन अब जो इनिशियल मीडिएटर ऑफ द इन्फ्लेमेशन है ना इन्फ्लेमेशन वो है हमारे पास हिस्टम बीटा अब इसमें थोड़ा डिफरेंस है ये हम याद कर लेते हैं अभी इसमें कहते हैं विच ऑफ तो द फॉलोइंग इज अ पेन मीडिएटर इन फ्लेसन पेन मीडिएटर जो होता है ना वो होता है प्रोस्टक लैंड एंड ब्रेडिक आइनन बीटा इज द आंसर नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन वो बहुत अच्छी दे रहा है इसमें कहता है कि ना पेन मीडिएटर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट वो पहले नंबर पर ब्रेडिक आता है फिर प्रोस्टक आता है ई टू और जो होते हैं हमारे पास इंटरल्यूकिन वन और टी एन एफ फैक्टर जो होते हैं ये फीवर मीडिएटर्स हैं और प्रोस्टक जो एफ टू ई टू और डी टू हैं ये वेजोडाइलेटर्स हैं उसके बाद कहते हैं लेट मीडिएटर ऑफ द इन्फ्लेमेशन जो है वो प्रोस्टक और लिकोट्राइन्स है और इनिशियल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन कौन से हैं हिस्टामिन अब हमने ये याद रखना है पेन के जो मीडिएटर्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो है ब्रेडिक आइन इन सेकेंड पर प्रोस्टक और जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन के इनिशियल मीडिएटर हैं वो हिस्टामिन है और लेट मीडिएटर ऑफ द इन्फ्लेमेशन जो है वो है हमारे पास प्रोस्टा एंड लिकोट्राइंस। नेक्स्ट एम सी यू में कहता है टोटल एंटी एच बी सी रिएक्टिव एंड आई जी एम ए जी नेगेटिव वट इज़ द डायग्नोसिस इज़ अ पोस्ट पास्ट एक्सपोयर। अब इसमें हमारे पास जो पास्ट एक्सपोयर होता होता है ना इसमें क्या होता है कि जो एंटी एच सी है वो रिएक्टिव होता है बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं एच बी सी अगर रिएक्टिव होगा ना एच बी सी दैट मीन्स कि वहाँ पर क्या हुआ हुआ है पास्ट एक्सपोयर हुआ है और वो रिकवर कर गया है तो इसका आंसर है हमारे पास एल्फा नेक्स्ट में कहता है व्हाट डोज एच व्हाट डज एच आई वी डू आफ्टर एंटरिंग इनटू द सेल लीव द सेल इमीडिएटली कन्वर्ट विर एन ए टू डी एन ए रिमेन डॉमिनेंट फॉर समटाइम्स एक्टिवेटेड सेल एक्टिवेट्स टी सेल सो द आंसर इज बीटा कन्वर्ट करता है इट्स आर एन ए टू डी एन ए नेक्स्ट एम सी क्यों में कहते हैं आप पेशेंट विद द एंड द मीडियासिस लाइक टू डैमेज ऑक्यूलोमोटर नर्व ये वाला एम सी क्यू ना आपके फिंगर टिप्स से होने चाहिए हम नीचेस की एक्सप्लेनेशन दे रहा बहुत प्यारी इसमें कहता है कि टोसिस है साथ में मीडियासिस है तो हमेशा क्या मसला होगा ऑक्यूलोमोटर नर्व पालसी होगी अगर टोसिस के साथ मीओसिस है तो ये हॉर्नर सैंड्रॉम होगा और टोसिस के साथ नॉर्मल प्यूपल है तो ये मेस्थीनिया ग्रेविस होगा उसके बाद नेक्स्ट है taylor had tb infection transmitted to two of his family member mode of spread of this is needle stick injury blood blood transfer and sexual contact iris ja aerosolated eye, air droplets the answer is eta TB pass eta ke through transfer next MCV increase adh causes अब बेसिकली इंक्रीज ए का मतलब है कि बॉडी में वाटर जो है ना वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया यूरन में कम जा रहा है तो यूरन जो होगा वो हमारे पास ऑसमोलैरिटी उसकी हाई हो जाएगी और अब आंसर पढ़ते हैं हाई यूरन ऑसमोलेटी हाई प्लाज्मा ऑसमोलैरिटी नहीं ये आंसर नहीं हो सकता नेक्स्ट कहता है हाई यूरन ऑसमोलिटी दैन प्लाज्मा ऑसमोलैरिटी अब ये आंसर ठीक है क्योंकि यून में से जो है यूरन में कम वाटर जा रहा है उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी और बॉर्डर बॉडी में ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी थोड़ी कम हो जाएगी तो आंसर इज बीटा नेक्स्ट टाइम से क्यू में कहता है कि टेन ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट विद अ लंप ऑन द फोर हेड मैस्ट एक्साइज फ्रॉम द फोर हेड माइक्रोस्कोप शो द दस्टोमोसिस ऑफ द वेसल्स एंड द सिंगल लेयर ऑफ द एंडोथिलियम इट मोस्ट लाइकली इज लाइपोमा हिमेंचियोम

प्लाज्मा कैल्शियम लेवल तो ये हमारे पास टैटनी का केस लग रहा है जिसमें लो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल हो जाते हैं और फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे पे ये हाइपो कैलिसमिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो आंसर इज ईटा नेक्स्ट होता है सर्विस एज द स्केमस एपीथीलियम दिस इज ड्यू टू एनाप्लेजिया डिस्प्लेजिया मेटाप्लेजिया एट्रोफी और डेस्मोप्लेजिया आंसर इज मेटाप्लेजिया क्योंकि उसकी एपिथीलियम जो है नॉर्मल से चेंज हो गया लेकिन वहाँ पे वो को ट्यूमर सेल्स नहीं बता रहा तो हम इसे क्या कहेंगे कि वहाँ पर मेटाप्लेजिया हो गया है। वन टाइप ऑफ एपिथीलियम जब टू दिस अदर टाइप ऑफ एपिथीलियम में चेंज हो जाती है उसे क्या कहते हैं मेटाप्लेजिया फोर्टी थे पर्सन इज़ हैविंग द हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड अ ड्रिंकिंग फ्रॉम मैनी ईयर्स on एंडोस्कोपी देयर इज अ मैस इन द मिडल थर्ड ऑफ द esophagus वट could इट लाइकली बी अब बेसिकली जो है इसोफेगस के मिडल थर्ड में हमारे पास होगा एडिनो कार्सिनोमा बेराट इसोफेगस क्रोनिक सर्वेकस या गैस्ट्राइटस अब पेशेंट में स्मोकिंग की भी हिस्ट्री है ड्रिंकिंग की भी है और एंडोस्कोपी में मैस आ रहा है दैट मीन्स वहाँ पे कोई ट्यूमर है और जो अपर आ, टू थर्ड में ट्यूमर होता है वो होता है कार्सिनोमा सो आंसर स्पी था, था। नीचे एक्सप्लेनेशन भी कह दे रहा है कह रहा है अपर टू थर्ड में जो होता है सेल कार्सिनोमा होता है और ये अल्कोहल की वजह से हो सकता है हॉट लिक्विड की वजह से स्ट्रिक्चर की वजह से या स्मोकिंग एक्लेजिया की वजह से और लोड वन थर्ड में जो होता है डीनोकारोमा होता है क्रोनिक गर्ड की वजह से होता है बैरटीसो की वजह से एक्लेजिया नेक्स्ट में कहते हैं सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जो हमारे पास सुपीरियर रैक्टल आर्ट्री है वो ब्रांच एक्सटर्नल आइलियक आर्ट्री की इंटरनल आइलियक आर्ट्री की इंफीरियर वेजिकल आर्ट्री की इंटरनल प्रोडेंटल की या इन्फीरियर मिजन की तो जो हमारे पास है सुपीरियर रैक्टल आर्टरी दैट इज अ ब्रांच ऑफ द इन्फीरियर मिजन आर्टरी ईटा अब इसका निमोनिक जो है वो हमारे पास मैंने इसका निमोनिक बनाया था एम आई एफ एम आई पी सॉरी एम आई पी एम आई पी अब इसमें बेसिकली ये है कि जो सुपीरियर रेक्टल है वो है ब्रांच ऑफ द मीजेंटेरिक इन्फीरियर मीजेंटेरिक की और जो मिडल रेक्टल ब्रांच है वो है ब्रांच ऑफ इंटरनल आई आर्टरी की विच इज़ अ ब्रांच ऑफ कॉमन आई आर्टरी और जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी है वो ब्रांच है हमारे पास पेरेंटल नव की इंटरनल पेरेंटल की तो ओवरऑल निमोनिक इज़ एम आई पी फ्रॉम सुपीरियर टू इंफीरियर सुपीरियर वन इज मेजन टेरी मिडल वन इज आई एंड द लोअर वन इज पेरेंटल नव ब्रांच

S1 Q3 T3 पैटर्न मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन वुड बी सी पी के सी टी एंजियोग्राम एल डी एच एस टी ओ टी एक्स रे चेस्ट तो हमने उसकी ई सी तो पहले करा ली अब हम सी टी एंजियोग्राम कराएंगे बीटा नेक्स्ट टाइम सी में कहते हैं इस्ट्रोजन एंड प्रोटेस्ट्रॉन प्रोड्यूस इन द लास्ट सेवन मंथ बाय अब जो फर्स्ट मंथ में हो रहा होता है ना वो कॉर्पस ल्यूटियम बना रही होती है लेकिन लास्ट सेवन मंथ में प्लेसेंटा बना रहा होता है तो डेल्टा इज द आंसर नेक्स्ट एम सी को कहते हैं यूट्रस इज मोस्ट सेंसिटिव टू विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर तो यूट्रस जो होता है ना वो ऑक्सीटोसिन की जो होता है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है क्योंकि ये कंट्रेक्शन करा रहे होते हैं यूट्रस में नेक्स्ट कहते हैं इन द ए ओर टी ओपनिंग इफ द डाय फ्राम इज कंस्ट्रिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी कम्प्रेस अलॉन्ग विद द एटा आप कह रहे हैं कि इन द एटी ओपनिंग ए ओ टी ओपनिंग में जो मैंने निमोनिक है वो रखा हुआ था ए टी ए इसमें हमारे पास एटा गुजर रहा होता है थोरेसिक डग गुजर रही होती है और ए जैगसवेन तो हमारे पास थोरेसिक डक्ट और ए जाइगसवेन जो है वो दोनों कंप्रेस हो जाएंगी तो आंसर इज तो एंड द एजाइगस वेन अब इसमें हमारे पास जो एटिक ओपनिंग है वो टी ट्वेल्व के लेवल पे होती है और इसका निमोनिक है हमारे पास ए टी ए एटा होता है तो रेसिक डक्ट होती है और एजाइगस वेन होती है और जो ईजाफिकल ओपनिंग होती है वो होती है हमारे पास टी टेन के लेवल पे और इसोफेगस और वेगस आपस में मिलते हैं इसलिए इसका निमोनिक है कि इसमें इसोफेगस और राइट एंड लेफ्ट वेगस गुजरे होते है हैं साथ में कुछ लम्फेक्टिक होते हैं और जो केवल ओपन होती है इसमें से इन्फीरियर वेना केवा वेना केवल ओपनिंग होती है इनफीरियर वेना केवा और फिर एनिक नव गुजरे होते हैं राइट फिनिक नव इसे हम सीपी भी याद कर सकते हैं इसका अनुमोनिक फिर एनिक नव गुजरिए राइट और साथ में केवल में इन्फीरिया वेना केवा में केव... वो गुजर रही है नेक्स्ट कहता है फोर्टी सेवन में स्फीरोसाइटोसिस इज ड्यू टू तो डिफेक्ट इन एनगरिंग स्पेक्ट्रिन फॉस्फोलिडर या एनाइन एक्सचेंजर्स सो so, द आंसर इज बीटा स्रोसाइटोसिस ड्यू टू तो, डिफेक्ट इन द स्पेक्ट्रिन नेक्स्ट टाइम से क्यों मैं कहता है कि इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी वर्ड चेंजेस इन द रिस्पायरिटी पैरामीटर अकर डिक्रीज एफ़ ई वी वन ओवर एफ ई सी डिक्रीज इन द वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज लंग कम्पलाइंस इंक्रीज सी ओ टू एंड डिक्रीज टायर वॉल्यूम बेसिकली यूटरस के इलार्ज होने की वजह से जो है यू प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और चेस्ट को कम्प्रेस करता है तो इसमें हमारे पास डिक्रीज़ हो जाते हैं एफ़ ई वी वन और एफ सी आंसर नेक्स्ट कहता है रिच सोर्स ऑफ द वायटामिन के इज द ग्रीन वेजिटेबल्स ये याद रखना है कि वाइटामिन के का रिसोर्स है ग्रीन वेजिटेबल्स नेक्स्ट कहते हैं स्पाइन ऑफ बायोफीडा अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द हम जब भी प्रेगनेंसी होती है तो फोलिक एसिड पिल्स खाते हैं फोलेट पिल्स खाते हैं और ये इसलिए खाते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जो होती है ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कराती है तो इसलिए डेल्टा इज आंसर स्पाइन ऑफ बायोफीडा इज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नेक्स्ट कहते हैं आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मैसिव ब्लड लॉस पेशेंट अंडर को शॉक बी पी इज एटी फाइव बाई फोर्टी एंड वट विल एक्टिवेट नाउ अब बेसिकली जब भी बी पी कम होगा अगर uh, वो कहे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है सिंपल और कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हम कह सकते हैं बैरो रिसेप्टर लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल बी पी वो मैंशन कर रहा है वो कम है तो हम कहेंगे सी एन एस एस कीमिक रिस्पॉन्स होगा हमेशा एक्टिवेट नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है नीचे एक्सप्लेनेशन में कहता है कि मैप इज कैलकुलेटेड एज द पल्स प्रेशर जो होता है सिस्टलिक पेशर माइनस डाइस्टलिक होता है और जो वन थर्ड ऑफ द पल्स प्रेशर है वो ये आ गया है तो मीन आटेरियल प्रेशर इज़ इक्वल टू डायस्टोलिक पल्स बी ब्लड प्रेशर प्लस वन थर्ड ऑफ द पल्स प्रेशर इसकी वैल्यू ये आ जाएगी नीचे कहता है पेरोसेप्टर रिस्पॉन्ड मैक्सिममली तो इंक्रीजिंग बी पी मतलब बैरोप्टर सबसे ज़्यादा काम करते हैं कि बी पी इंक्रीज हो जाए और मोस्ट रैपिड रिस्पॉन्स टू डिक्रीज बी पी क्या होता है बैरो रिसेप्टर लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट रिस्पॉन्स टू डिक्रीज बी पी जो होता है जिसकी पोटेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो होता है हमारे पास सी एन एस स्कीमिया और सी एन एस एक्टिवेट एट सिक्सटी और बिलो सिक्सटी जो सी एन एस स्कीमे के नेक्स्ट कहते हैं मैंटेन ड्यूरिंग शॉक इज़ बैरो रिसेप्टर शॉक में कौन एक्टिवेट होता है बैरो रिसेप्टर्स और मैंटेन एज अ होल इज द रेनिन इन एनजोटेंस सिस्टम और शॉर्ट टर्म बी पी कंट्रोल होता है बाय बैरो रिसेप्टर और लॉन्ग टर्म बी पी कंट्रोल होता है बाय रस ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है टू रिमेंबर और आई एम गोइंग टू टेक इट्स स्क्रीन शॉट कि मैं इसे दोबारा रिवाइज़ कर लूँ